तो फ्रेंड आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बामा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी के बारे में, जिसे हम बार्क रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। तो मैं आप बार्क रिक्रूटमेंट के बारे में बताऊंगा, आप इसे कब से लेकर कब तक आवेदन कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका नोटिफिकेशन लिंक, सारी चीज़ों के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। फ्रेंड, बात करते हैं बार्क रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेम है भामा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है। पोस्ट का नाम देख सकते हैं, जो कि मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर है ग्रेड सी की, मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड डी की, टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड सी की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 8 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, स्टार्ट 30 अगस्त 2020 से, लास्ट डेट है 15 सितंबर 2020। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इंटरव्यू बेस पर रहेगा। एडवर्टाइज नंबर आप यहां से दे सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेट होगा लिंक 30 अगस्त से। इसके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि barak.gov.in पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। तब उसकी वैकेंसी देख लेते हैं, जो किस तरीके से है। ये मेडिकल आप साइंटिफिक ऑफिसर डी की एक वैकेंसी है, जो कि ऑब्स्टेट्रिक आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर की, केमिस्ट्री मैकेनिकल इंजीनियर की, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर की 3 वैकेंसियाँ हैं सिर्फ, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की हैं, तो 8 वैकेंसी हो जाती है हमारी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं, मेडिकल साइंस ऑफिसर डी की कैंडिडेट मस्ट भी होना चाहिए MD, MS, DNB, MDS डिग्री होनी चाहिए, या पोस्ट ऑफ मेडिकल साइंटिस्ट ऑफिसर डी की एज पर द डिसिप्लिन विच दे आर अप्लाइंग फॉर, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके अनुसार होना चाहिए। मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर सी की MBBS होना चाहिए, 1 ईयर इंस्ट्रूमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैंडेटरी है, इंटर्नशिप विल नॉट बी आपके काउंट नहीं होगा, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर आप दे सकते हैं सी में, आप जैसे MSc BE BTech होना चाहिए, आपका 60% या उससे बराबर से ज़्यादा होना चाहिए, CGA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं, जो कि मेडिकल साइंस ऑफिसर डी की आप देते हैं मिनिमम 18 से लेकर 40, आप दे सकते हैं यहाँ पे मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर की 18 से लेकर 35, टेक्निकल ऑफिसर की आप दे सकते हैं 18 से लेकर, यहाँ पे नॉट अलाउड लिखा हुआ है, कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम का नहीं दे रखा है। एज रिलेक्शन विल भी आपका एप्लीकेशन पर गवर्नमेंट के रिलेक्शन के अनुसार ही रहेगा। तो एप्लीकेशन आपका जो बराक का जो रहेगा, रिक्रूटमेंट की फीस रहेगी जो आप दे सकते हैं, जो जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी 500, ST वालों के लिए कोई, वुमेन के लिए कोई फीस चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आप इसके आवेदन करने के लिए आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं ये अपलोडिंग सिग्नेचर फोटोग्राफ, जो जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको बता दूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, आपका जो मैंने स्टार्टिंग बता चुका हूँ, इंटरव्यू बेस रहेगा आपका। तो कैंडिडेट हैव अप्लाई फॉर बराक मेडिकल साइंटिफिक ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर सेलेक्टेड बेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू होंगे। इन केस आपका रिस्पॉन्स फॉर इज मोर दिस सेंटर रिसर्व ऑफ द रिस्ट्रिक्ट द नंबर द कैंडिडेट कैन बी कॉल्ड इंटरव्यू कंडक्ट बाय स्क्रीनिंग टेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डिसीजन ऑफ रिसर्च सेंटर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी दे रही है। प्लेसिंग ऑफ आप पोस्टिंग आप दे सकते हैं, आपकी मुंबई होगी, नवी मुंबई हो सकती है, आपका देखें कल्पकम हो सकती है, तो यहाँ पे आपकी चीज़ जानकारी आ रही है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं आपकी जो सैलरी रहेगी लेवल 11 की रहेगी 67,000, मेडिकल साइंटिस्ट ऑफिसर सी की 10 में आप 56 रहेगी और टेक्निकल ऑफिसर 56 रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एडिशनल बेनिफिट है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं भामा ऑटोमिक्स रिसर्च सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, तो यहाँ पे आपको बता दूँ किस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कैरियर ऑप्शन पे आ रहा है, रिक्रूटमेंट पे गए तो न्यू वैकेंसी पे आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। न्यू वैकेंसी पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने इस न्यू वैकेंसी पे क्लिक किया, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल आ रही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉगिन वेबसाइट आपको आ रही है, ठीक है। जो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है तो ठीक, जैसे एक्टिवेट होगा तब आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जो कि आपको बता दूँ यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम नोटिफिकेशन पर हैं, तो यहाँ आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, भामा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर का। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट की सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ,
तो यहाँ पे एक बार आप चाहें तो आप रीड कर सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है, जो कि डिटेल यहाँ पे आ रही है, सैलरी भी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं एडिशनल बेनिफिट भी आ रहे हैं, तो आप दे सकते हैं यहाँ पे इसकी डिटेल को पढ़ सकते हैं। फिजिकल आपके आपके जो है डिसेबल हैं उनके लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रखा है, तो यहाँ पे आपके नेचर ऑफ ड्यूटी दे रखी है, आपकी क्या क्या ड्यूटी रहेंगी वो सब जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है, तो आप जिसकी अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ से आप इजीली रीड कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको बता रखा है जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे जनरल कंडीशन दे रखी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं 30 से लेकर 8 तक, 9, 15, 9 तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कैंडिडेट अपलोड कर रिपोर्ट करेंगे स्क्रीन टेस्ट के लिए, आपको उसके लिए आपको दे सकते हैं अपियरिंग स्क्रीन टेस्ट इंटरव्यू के लिए, तो यहाँ पे आपको NOC लेके जाना जरूरी है। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं पूरी जानकारी दे रखी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी एंड पेमेंट प्रोसीजर की जानकारी दे रखी है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट की जानकारी दे रही है, तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। इकोनॉमी वीक सेक्टर के लिए रिजर्वेशन के लिए वो जानकारी यहाँ पे आप दे रहे, वो आप जिस कैटेगरी का उसके अनुसार यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये आ रहा है चेक द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की, वो यहाँ पे आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सब डिटेल जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, हमारे 6 पेज का नोटिफिकेशन है, तो मैं सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग टाइम पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। वीडियो देखने